इंदौर शुक्रवार शाम शांति पथ नगर निगम रोड से गुजर रही युवती के गले से बाइक सवार बदमाश सोने की चेन झपट कर ले गए। इसी प्रकार दो अन्य स्थानों पर भी लूट की घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी नयन पिता सुनील कलारिया निवासी विजयनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कल शाम 7 बजे वहाँ शांति पथ नगर निगम से घर की ओर जा रही थी, तभी बिना नंबर की काले रंग की बाइक पर आए दो बदमाश उसके गले से सोने की चेन खींची और फरार हो गए। एमजी रोड पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया है। सर, एक चेन लूट की घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? ये कल रात को 8 बजे करीब की बात है। एक महिला है जिसका नाम है नयन कनारिया, ये विजयनगर की रहने वाली है, बच्ची है, करीब 18 वर्ष की उम्र है उसकी। ये अपनी माँ के साथ सुखदेव नगर एरोड्रम तरफ से आ रही थी और नगर निगम चौराहे पे ये शांति पथ रोड पर मुड़ी हुई, मतलब जो एक सुनसान क्षेत्र आ जाता है शांति पथ रोड, उस साइड से निकली थी। तो नगर निगम झोन पड़ता है आगे, उसके पास ये पहुंची। पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात मोटरसाइकिल पर अज्ञात व्यक्ति, एक ही व्यक्ति था वो आया और उसके गले पर उसने झपट्टा मारा। तो गले में उसके सोने की चेन थी, जो चेन खींची, जो खींचने के दौरान वो महिला का बैलेंस बिगड़ गया, स्कूटी पर थी वो, तो वो नीचे गिर गए थे और उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चेन लेकर चला गया था। सर, इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच किया गई? हाँ, उस आधार पर हम लोग निकाल रहे हैं और उधर सदर बाजार तरफ भी भागा है, वो जानकारी थोड़ी सी लग रही है हमको। कुछ कुछ जगह आ भी रहे हैं लेकिन अभी क्लियर नहीं है, तो 2-3 टीम हमारी लगी हुई है और वो सीसीटीवी से क्लियर हो जाएगा। आपका नाम? बीएस रघुवंशी, थाना अंजीर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।